बताऊंगा सेमेस्टर टू पॉलिटिकल साइंस कोर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज एग्जाम में 100% उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये है सेमेस्टर टू पॉलिटिकल साइंस कोर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यसभा का गठन शक्ति एवं कार्य का वर्णन करें। राज्यसभा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसी प्रकार का आपको आंसर डालना है, ठीक है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा जो होता है वो संसद का उच्च सदन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसी का पॉइंट नंबर 1 है, राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों कितनी होगी उसकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जैसे झारखंड में राज्यसभा की सीट कितना होगा, बिहार में राज्यसभा का सीट कितना होगा, जितना जनसंख्या उस राज्य में है उसी के आधार पर उस राज्यसभा का सीट भी निर्णय होता है कि उस वहाँ पर कितना सीट होगा राज्यसभा का, ठीक है। दूसरा, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा नहीं होता। जैसे हम लोग डायरेक्ट चुनाव नहीं कर सकते राज्यसभा का, ठीक है, उसे डायरेक्ट मतदाताओं द्वारा आने के जो लोग चुनते हैं डायरेक्ट उन लोग जाकर के वोट नहीं देंगे राज्यसभा को, ठीक है। तीसरा है कि राज्यसभा अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन जिसे कभी भी हटाया नहीं जाता है, ठीक है, अर्थात कभी भी इसे हटाया नहीं जा सकता है, यह लगातार काम करती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता। योग्यता मीन्स कौन कौन लोग हैं जो राज्यसभा में बन सकते हैं, राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। तो वह भारत का नागरिक हो, दूसरा देश का आदमी नहीं होना चाहिए, उसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा होना चाहिए, वह लाभ पद पर ना हो कि वह सिर्फ लाभ कमाने के लिए ही मतलब राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, वह लाभ पद पर ना हो, ठीक है। यदि वह पागल है तो भी वह नहीं बन सकता है, 7 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं कर सकता, वो उसको हमेशा अपना जो कार्य स्थान पर जाना पड़ता है वो हमेशा उसको जाना पड़ेगा, और 7 दिन तक अगर लगातार छुट्टी करता है तो उसे वहाँ से हटा दिया जा सकता है। राज्यसभा की शक्ति और कार्य। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही रखा जाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाना है कि नहीं हटाना है ये सब जो निर्णय होता है वो कहाँ पे होता है, राज्यसभा में होता है, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा सहयोगी कानून निर्मात्री सदन है। देखो जब भी हमारा नियम कानून बनता है तो वहाँ पर जो सहयोग करता है कौन करता है, राज्यसभा भी करता है और लोकसभा भी करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा का भी इसका योगदान होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। राज्यसभा के सदस्य सरकार की आलोचनाएं कर उसे सजग कर सकते हैं। देखो सरकार क्या गलत कर रहा है सही कर रहा है उसको निर्णय बोल सकता है, मतलब समझा सकता है कौन, राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा संविधान के संशोधन में भाग लेती है। जब संविधान में कुछ नया चीज़ें जोड़ा जाता है, कुछ भी होता है कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो संविधान में जो भी कुछ होता है उसमें राज्यसभा भी अपना बातें को रखता है कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे भी शक्ति राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है जो विधानसभा को नहीं प्राप्त है, ठीक है। कुछ ऐसे भी शक्ति है राज्यसभा के पास जो विधानसभा को वो शक्ति नहीं प्राप्त है, और सिर्फ शक्ति कौन उपयोग कर सकता है, तो राज्यसभा ही कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ शक्ति है मतलब मिला हुआ किसको, राज्यसभा को। नेक्स्ट है कुछ ऐसे भी शक्ति राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है जो विधानसभा को नहीं प्राप्त है, ये तो सेम पॉइंट था यही, ठीक है। चलिए निष्कर्ष का, निष्कर्ष मीन्स क्या हो कि अभी तक अपनों क्या पढ़ा है इसके बारे में एक दो लाइन में बताना आपको। तो अतः मैंने ये पढ़ा है कि राज्यसभा हमारे देश के नीति निर्माण यानी कोई भी नियम कानून के निर्माण में एक मुख्य सहयोग अदा करती है, मुख्य सहयोग प्रदान करती है, ठीक है। तो अगर एग्जाम आपका नज़दीक है तो मैंने आपको कोई ज़्यादा डेट वगैरह लिखाने का प्रयास नहीं किया है, वेरी सिंपल है, अच्छे लैंग्वेज में आपको 100% इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस प्रकार का डाल देना, ठीक है, आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।